आज सुबह यानी कि 23 सितंबर की मॉर्निंग को तकरीबन 6 बजे के आसपास हमारे ट्रूप्स लाइन ऑफ कंट्रोल पे डिप्लॉयड थे और वहाँ पे एम्बुश लगाए हुए थे। तीन बंदे हमें पाकिस्तान की तरफ से उतरते हुए दिखाई दिए जो हथियार बंद थे, और उन्हीं के पीछे थोड़ी दूरी पर दो टेररिस्ट और थे। इन्होंने जब लाइन ऑफ कंट्रोल क्रॉस की, उसके बाद जो मेरी पार्टी हमारी पार्टी जो वहाँ डिप्लॉयड थी, उन्होंने इनको चैलेंज किया। चैलेंज मिलने पर इन्होंने हमारे पार्टीज़ के ऊपर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी फायरिंग में तीनों के तीनों टेररिस्ट को न्यूट्रलाइज कर दिया, और जो दो टेररिस्ट पीछे थोड़ी दूरी पर थे वो वापस पाकिस्तान पीओके की तरफ भाग गए। इन टेररिस्ट से हमें कुछ रिकवरीज हुई हैं जो कि इस प्रकार है। AK सीरीज़ की राइफल्स 5 जो कि छोटे बैरल वाली है, AK-74, 7 चाइनीज़ पिस्टल्स, 1 रिवॉल्वर, AK की मैगजीन्स, 24 UBGL ग्रेनेड्स, 38 चाइनीज़ ग्रेनेड्स और 7 पाकिस्तानी ओरिजिन के ग्रेनेड्स। साथ ही साथ 35,000 रुपये इंडियन करेंसी, 10,300 रुपये पाकिस्तानी करेंसी, कुछ खाने पीने की चीज़ें और कुछ टोबैको लाइक सब्सटेंस हमें इनसे मिला है। फिदाइन अटैक के लिए आए थे, इसके लिए हम टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा, लेकिन इनके पास जो सामान है उस हिसाब से लगता है कि ज़्यादातर ग्रेनेड है इनके पास में, जो कश्मीर में जो टेररिज्म चल रहा है उसको ये हथियारों की सप्लाई के लिए इसलिए इधर ग्रेनेड फायर किए गए थे। हमें अभी नहीं लगता कि ये किसी टारगेट को अटैक करने आए थे, ऐसा कोई एविडेंस नहीं है। ये एक कोशिश थी हथियार और गोला बारूद को सप्लाई करने की, ताकि कश्मीर में टेररिज्म को सपोर्ट किया जा सके। ज़्यादातर इसमें छोटे हथियार हैं। देखिए हाँ, ये आप देखेंगे जैसा बताया, ये जो राइफल है AK सीरीज़ की राइफल AK-74 है, इसकी बैरल छोटी है, इसे कंसील करना आसान रहता है। जैसे कोर कमांडर साहब ने बताया कि ज़्यादातर अभी जो किलिंग्स हो रही हैं वो पिस्टल से हो रही हैं, पिस्टल को छुपाना आसान रहता है। उसके अलावा AK सीरीज हथियार भी है, छोटे बैरल वाली AK, ताकि उसको आदमी कैरी कर सके, आराम से कंसील कर सके। तो इसका मकसद इन हथियारों का ये है कि सिविल आम पब्लिक को टेररिज किया जा सके। ये छोटे बैरल के हथियार सेना से मुकाबले के लिए काम नहीं आते, ये जो निहत्थी पब्लिक है उसको टेररिज करने के लिए, उसको मारने के लिए ज़्यादा इस्तेमाल होता है। सर, ये किस आउटफिट से बिलोंग करते हैं? ये अभी जो डॉक्यूमेंट मिले हैं इसकी शिनाख्त की जाएगी, तो अभी इसलिए टू प्रीमैच्योर टू कमेंट ये किस आउटफिट के हैं।